गाइस वेलकम बैक टू लुधियाना गर्ल अमृता चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। कल वाला व्लॉग अपलोड हो चुका है सुबह, आई थिंक आप सब के पास आ चुका होगा। आप सब ने और कुछ जो मर्जी धोवे। मैं मुंह नहीं धोरी। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अच्छा नहीं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, पहले इधर, पहले इधर आ। नहीं सुन रहा। पता नहीं आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक तो खाना बनने का कोई नामो निशान नहीं। मम्मी ने अभी तक कुछ बनाया नहीं। मुझे लगी हुई है भूख। और कल मैंने पहना सूट, आज मैंने पाली जीन्स टॉप और ये टॉप। किसी को याद हो तो मैंने फर्स्ट टाइम कब पाई थी, अगर उस इंसान ने व्लॉग देखा हो तो पता लग जाएगा। 23-24 सितंबर को पाई थी शायद तो 22 सितंबर के मंथ में ही थी। बट ये मैं इस करके नहीं पा रही थी, मुझे लगा ये मेरे टाइट आएगी, बट ये ठीक ठाक आ गई। जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद अपनी मौसी के घर, मतलब मेरे घर से 2-3 घर छोड़ के इनका घर है, तब भी नहीं मैं जाती, आ जाऊँगी। अरे परी देख ले, देख ले। कैसे तेरी पड़ी और बिट्टी? कॉम्प्लेन पे का कॉम्प्लेन। वो खाते क्या है? दाने। ती शक्ल तो ऐसे करी से कि तू आई नहीं पहले कैमरे के अंदर। मैं कभी नहीं आई। बोलो हेलो। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस ऊपर का व्यू कितना मस्त है ना, मतलब मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ब्लॉग शूट वाले टाइम, और बिना फिल्टर बिना किसी क्रीम के शूट हो रहा है। हाँ, मैं इतने ऊपर कपड़े लेने जो मम्मी ने मशीन लगा के धोए थे, और ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है इस टाइम, मतलब इतनी गर्मी नहीं है, धूप भी है, सनलाइट का पता नहीं लग रहा। और मैंने कुछ फ़ोटोज भी क्लिक करी थी, तो नीचे जाके काम कुम करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा मस्त व्यू है, मतलब सनलाइट है बट गर्मी नहीं लग रही, जैसे कि आप बारिश में भी गर्मी लग रही थी। अरे मर जाएगी बिना पानी के। कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया इस करके 2 दिन का ब्लॉग आने साथ आज रात को अपलोड कर दूँगी, 7-8 बजे तक शायद ये ब्लॉग आप सबके पास आ जाए। मतलब पता नहीं मैं इतनी खुश क्यों हूँ।
कल का व्लॉग नहीं हो पाया कंटिन्यू किसी रीज़न के करके, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और एक बात ध्यान से, मैं व्लॉग शूट करती हूँ मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन, मेरा चैनल, मेरा ब्लॉग, मैं जहाँ मर्जी का शूट करूँ, मैं जो मर्जी अपलोड करूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ब्लॉग के अंदर मत आया करो, क्योंकि वो ब्लॉग मैं किसी का करके अपना ब्लॉग अपलोड करना छोड़ूंगी तो होनी। और किसी को प्रॉब्लम है तो ब्लॉग के अंदर मत आया करो, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है किसी को ब्लॉग के अंदर लेकर आने का। और जो मुझे लली छली समझते हैं ना, वो ये भूल अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि मैं उन लड़कियों की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ कि आगे वाले की बात सुनती रहूँगी। और ऊपर से दूसरी बात, मेरी फैमिली तक बात आई ना, तो मैं उसे बर्बाद करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो थोड़ी अपनी लिमिट के अंदर व्लॉग उस इंसान के पास तक तो चला ही जाएगा, क्योंकि वो व्लॉग भी चला ही गया था तो ये व्लॉग भी चला ही जाएगा। और आज का मेरा पेपर गया बहुत बहुत अच्छा, मतलब रज की चीटिंग बची है रज के। हाँ, मैंने दो तीन कॉपी चेक की थी ना कुछ, और पेपर था मस्त।